नमस्कार, मैं आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल है। मैं कुछ ऐसे सवाल लेकर आई हूं जिनके जवाब हम नहीं जानते, लेकिन ये रीतियां बहुत सालों से चलती आ रही हैं, पर इनके पीछे क्या राज हैं, इनके क्या जवाब हैं, वो हम जानेंगे आज। अब बात करूंगी मैं सबसे पहले सवाल की, जो कि आप सबने देखा होगा लेकिन शायद किसी ने बात नहीं की होगी, पूछा नहीं होगा कि मृत व्यक्ति को रात में अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। हमारे हिंदू धर्म में रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और रात के समय मृत व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ा जाता, उसके सभी परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके पास रहते हैं। ऐसा क्यों, आइए इसका जवाब जानते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में हो जाती है तो लोग उसे रात में ही शमशान घाट नहीं ले जाते, बल्कि लोग लाश को घर में ही रखकर उसकी रखवाली करते हैं। लेकिन क्या आप इस प्रथा के बारे में सोचा है, आखिर क्यों लोग लाश को घर में रखते हैं और उसके पास रहते हैं, उसे अकेला नहीं छोड़ते? शास्त्रों के मुताबिक यदि दिन ढलने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के शव को तुलसी के पौधे के पास रख दिया जाता है और उस लाश को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं पर होती है, अपने फैमिली मेंबर्स को देख रही होती है, सब महसूस कर रही होती है। दरअसल मान्यता है कि मरने के बाद शरीर खाली हो जाता है और ऐसे में बुरी आत्माओं का साया उस शरीर पर अपना कब्जा जमा सकता है। इसलिए लोग शव के पास रात को रहते हैं और लाश को अकेला नहीं छोड़ते, ताकि कोई बुरी आत्मा उस शव पर अपना कब्जा ना जमा सके और किसी व्यक्ति या वस्तु को नुकसान ना पहुंचे। अगले सवाल में हम बात करेंगे कि रात के समय कुत्ते क्यों रोते हैं, उसके पीछे क्या आध्यात्मिक कारण है और क्या साइंटिफिक रीजन है, आइए जानते हैं। हर धर्म की तरह हिंदू धर्म में भी कई सारी बातें बताई गई हैं। इनमें से कुछ चीज़ों का शुभ कहा गया है और कहीं कुछ चीज़ों को अशुभ भी माना गया है। इन्हीं अशुभ बातों में से एक बात है कि रात के समय कुत्तों का रोना। अक्सर रात के वक्त हमें कुत्तों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कई बार हम उन्हें उस जगह से हटा देते हैं ताकि रोने की आवाज़ें हम तक ना पहुँच सकें, क्योंकि ऐसा अशुभ और बुरे संकेतों की ओर इशारा करती हैं। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलें तो ऐसा माना जाता है कि रात को कुत्ते का रोने का संकेत है कि किसी की मृत्यु होने वाली है, या फिर उनके आसपास में वो आत्माएं देखते हैं जिस वजह से वो रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन अगर विज्ञान की बात की जाए तो इसके पीछे और भी कई कारण हैं। सबसे पहले कारण के अनुसार कुत्ते हाउल तभी करते हैं, रोते नहीं हैं, हाउल करते हैं, अपने बाकी के साथियों को संदेश पहुंचाते हैं। इस खास आवाज़ के ज़रिए वे कई बार अपने बाकी के साथियों को अपना लोकेशन बताते हैं ताकि वे उन तक आसानी से पहुँच सकें। और कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते को कहीं दर्द हो रहा होता है, कहीं चोट होती है, जिस वजह से वो दर्द में होते हैं और चिल्लाते हैं। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिन्हें इंसानों के साथ घुलमिल कर रहना पसंद होता है, अकेलापन उन्हें नहीं भाता। घर में या बाहर सड़क पर जब भी वे अकेले रहते हैं तो उन्हें अकेलापन महसूस होता है, इस वजह से भी वे हाउल करते हैं। अगले सवाल में हम बात करेंगे कि मृत व्यक्ति का जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो हमारे हिंदू धर्म में एक रीत है कि उसके सर पर 3 बार, उनकी खोपड़ी पर जब अंतिम संस्कार किया जाता है, 3 बार डंडा मारा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। अंतिम संस्कार के दौरान एक मृत शरीर को जलाकर इस दुनिया से विदा किया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान भी कई तरह की रस्मों की अदायगी की जाती है, जैसे सर मुंडवाना, मृत शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाना और जलती चिता में से लाश के सिर को डंडे से फोड़ना। जी हाँ, हम में से कई लोग तो इस रस्म या विधि के बारे में जानते नहीं होंगे। इस रस्म के पीछे भी एक तर्क है जिसके बारे में हम आज जानेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में जलती चिता में से खोपड़ी या सिर को डंडे से तोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं जिसके थ्रू जो हमारी आत्मा होती है शरीर से बाहर निकलती है। उन दरवाज़ों के जो माध्यम होते हैं वो अलग अलग होते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा जो प्राण होते हैं
किसी के जीवा के थ्रू निकलते हैं, किसी के सर में से निकलते हैं, किसी की आंखों में से निकलते हैं। 11 द्वार होते हैं, तो जिसमें से सर भी एक ऐसा द्वार है। आत्मा सर से निकलती है तो वह मोक्ष प्राप्त करने, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसलिए मृतक के जो रिश्तेदार होते हैं उनके सर पर डंडा मारते हैं, 3 बार उनकी खोपड़ी पर डंडा मारते हैं, क्योंकि जो खोपड़ी होती है वो आसानी से नहीं टूटती, इसलिए 3 बार मारते हैं। जब वो खोपड़ी या कपाली को डंडे से मारकर तोड़ते हैं तो चिता की गर्मी की वजह से खोपड़ी टूट जाती है। एक और कारण भी इसके पीछे माना जाता है। कहा जाता है कि उस समय आत्मा अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने घर के सदस्यों को देख रही होती है, उदास होती है, तो सर पर डंडा इसलिए मारा जाता है कि अब तुम्हारा हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, तुम यहाँ से विदा लो, तुम भगवान के घर जाओ, क्योंकि मोह ख़त्म नहीं हो पाता आत्मा का, इसलिए भी ऐसा किया जाता है। सर पर डंडे मारने की एक वजह और भी है। तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके सर के फिराक में रहते हैं ताकि वो इसका दुरुपयोग कर सकें। साथ में यह भी कहा जाता है कि सर के द्वारा तांत्रिक उस व्यक्ति को अपने कब्जे में कर लेते हैं और उसकी आत्मा से गलत काम करवा सकते हैं। तो इसलिए भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये रिवाज बनाया गया है कि खोपड़ी को तोड़ दिया जाए ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सके। हवन तो आप सब ने, हिंदू धर्म में हवन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, पवित्र माना जाता है, शुद्धिकरण माना जाता है, तो आप सब ने कभी ना कभी हवन जरूर किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवन में आहुति देते हुए स्वाहा क्यों कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो आइए मैं आपको बताती हूँ। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले लोग अक्सर हवन करवाते हैं। हवन के दौरान लोग आहुति देते हुए स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं कि स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है, क्या महत्व है स्वाहा शब्द का। स्वाहा शब्द उच्चारित करते हुए हवन सामग्री का भोग अग्नि के जरिए देवताओं को पहुंचाया जाता है। कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जा सकता जब तक कि हविष्य का ग्रहण देवता ना कर लें, पर देवता ऐसा हविष्य तभी स्वीकार करते हैं जबकि अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। पौराणिक कथा के मुताबिक स्वाहा अग्नि देव की पत्नी है। ऐसे में स्वाहा का उच्चारण कर निर्धारित हवन सामग्री का भोग अग्नि के माध्यम से देवताओं को पहुँचाते हैं। इसके अलावा एक पौराणिक कथा भी इस शब्द से जुड़ी हुई है, जिसमें बताया गया है कि स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी जिनका विवाह अग्नि देव के साथ किया गया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अग्नि देव हम मनुष्य से तभी हवन सामग्री ग्रहण करते हैं जब उनकी पत्नी का नाम लिया जाए, इसलिए यज्ञ के बाद स्वाहा का उच्चारण अनिवार्य कर दिया गया। राम राम। हमारे इंडिया में, भारत में, हिंदू धर्म में नमस्ते की जगह बहुत सारे लोग राम राम भी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि राम राम हमेशा 2 बार ही क्यों कहा जाता है? 1 बार हम राम क्यों नहीं कह देते? जब भी किसी को हम बुलाते हैं तो राम राम कहकर ही क्यों बुलाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल 2 बार राम राम बोलने के पीछे बड़ा गूढ़ा रहस्य है, क्योंकि ये आदि काल से ही चल रहा है। हिंदी की शब्दावली में र 27वां शब्द है, आ की मात्रा 2रा और म 25वां शब्द है। जब तीनों अंकों का योग करें 27 + 2 + 25 तो ये 54 बनता है, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ, 54 हुआ। इसी प्रकार 2 राम राम का कुल योग 108 होगा। जब कोई भी जाप करता है तो एक माला 108 की मानी जाती है, तो 2 बार राम कहने से हमारी पूरी एक माला हो जाती है। सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। तो अगली बार आप भी राम राम जरूर करें और बार बार करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी नॉलेजेबल जरूर लगी होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है या आपको ऐसे किसी भी अलग से सवाल का जवाब पता है तो आप मेरे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर
कुंडली दिखानी है आपको। मैं हर वीडियो में हमेशा कहती हूँ कि कुंडली से रिलेटेड अगर आप कोई भी सवाल है आपके मन में, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, या फिर आपके पास अपना जन्म समय नहीं है, जन्म तारीख नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली देखकर आपको उपाय बताए जाएं, क्योंकि आजकल सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, किसी पर कर्जा है, किसी पर जॉब की प्रॉब्लम है, तो किसी को संतान नहीं हो रही, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, बड़ों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो हर चीज के पीछे हमारे ग्रह है। जब हमारे ग्रह नीच हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। उन्हें ठीक कैसे किया जाए? कुंडली में जब ग्रहों को ये उपाय कर लेते हैं हम, तो ग्रह उच्च हो जाते हैं और जो वो प्रॉब्लम दे रहे हैं वो खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम जैसी मर्जी हो, फाइनेंशियल हो, हेल्थ इश्यू हो, जैसी मर्जी हो, हर चीज का हल हो सकता है। नीचे दिए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर कुंडली रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है। कुंडली देखने के हमारे चार्जेस हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो यू आर मोस्ट वेलकम, मेरी वीडियो जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, गुड बाय।